भगवान जी ने चित्र लिखा, लालू जी ने चित्र लिखा, ये आजकल कहाँ दिखते को मिलता है? ये प्यार एक दूसरे के प्रति। आजकल लालू जी को बहुत दुख था, बहुत पीड़ा, आंखें भर आई थी। उस समय तो तबीयत भी खराब था, अस्पताल में थी, जेल में थे, रांची वो चाह कर भी अंतिम दर्शन के लिए, लेकिन जब भी लालू जी संकट में रहे, भगवान बापू एकदम आपको आगे दे। और आज चल तो फायदे के लिए राजनीति, कुर्सी के लिए, पद के लिए ना तो विचारधारा रखता है, ना तो नीति रखता है, ना तो सिद्धांत रखता है, फायदे के कोई भी कहीं नहीं लगा। लेकिन भगवान बाबू वैसे व्यक्ति नहीं थे जो अपना हित चाहते, भगवान बाबू सिद्धांति नेता है, प्रिंसिपल, विचारधारा से संभवता नहीं क्या हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने विचारधारा नीति सिद्धांत से कभी भी समझौता नहीं करेंगे। ये सब तो सीखने वाली जरूरत है। और एक एक व्यक्ति को ये समझने की जरूरत है कि जो लोग समझौता करते हैं अपने विचारधारा से नीति से सिद्धांत से, उसको भविष्य में याद नहीं किया जाता, उन्हीं को याद किया जाता है। तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हैं, अपने पार्टी के तरफ से, अपने नेता के तरफ से भगवान बाबू जी को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। और उनका जो संघर्ष रहा या जो बाकी अधूरा काम है, हमेशा किसानों की चिंता करना, नौजवानों की चिंता करना, शिक्षा चिकित्सा विकास को लेकर, इस काम को हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन मजबूत विपक्ष इतना जरूर कहेंगे कि रघुवर बाबू के उन कामों को हम लोग आगे जरूर बढ़ाएंगे और अंतिम मंजिल तक पहुंचाएंगे। हर रास्ते हम जब पटना से यहाँ मुजफ्फरपुर आए तो जगह 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 हमको अपने लोगों ने, रघुवर जी को चाहने वाले लोगों ने रोक रोक करके हर जगह फूल रघुवर बाबू के फूल में श्रद्धांजलि चढ़ाने का। लोगों का प्यार कितना है उनके प्रति, ये आज यहाँ